हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक न्यू वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं न्यू ट्रांजेक्शन वाले वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के ट्रांजेक्शन वीडियो किस प्रकार आप बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, 4 से 5 पार्ट में वीडियो को शूट करना है। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो को आपको किस प्रकार शूट करना है। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूं, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो अपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको शूट कैसे करना है, सिंपल अपने हाथों में 4 से 5 शॉट आपको ले लेना है और शॉट को कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको फेंक देना है। आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का वीडियो शूट हो चुका है, तो सिंपल। इसके बाद आपको सेकेंड पार्ट का वीडियो कैसे शूट करना है, तो मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मीडिया पे आना है। जो हमने सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट किए हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल आपको करना कि अपने हाथ में फूल ले लेना है और ऊपर से नीचे की तरफ आपको लेकर आना है, जैसा कि वीडियो में देख सकते आए नीचे की तरफ, और आपको कुछ इस तरह से कैमरा के सामने आ जाना है। तो आपको यहाँ पर सेकेंड पार्ट का भी वीडियो शूट हो चुका है। इसके बाद फिर से मीडिया पर आते हैं। इसके बाद जो हमने थर्ड पार्ट के वीडियो शूट किए हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के वीडियो आपको शूट कैसे करना है, सिंपल दोनों हाथ को आपको एक साथ रखना है और कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट का भी वीडियो शूट हो चुका है। बाद फिर से मीडिया पे आते हैं, फोर्थ पार्ट का जो वीडियो हमने शूट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लिए हैं। तो मैंने वीडियो को कुछ इस तरह से आपको सिंपल आपको खड़े हो जाना है, 4 से 5 सेकेंड तक आपको कुछ इस तरह से देखना है ऊपर की तरफ, जैसे कि शॉट आपको ऊपर की तरफ से गिरेंगे। तो फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने शूट किया हूँ। फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से कपड़े के फेंका, सेकेंड में कुछ इस तरह से मैंने फूल लिया और आगे की तरफ कैमरा की तरफ आपको बढ़ जाना है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी हो चुका है, थर्ड पार्ट कुछ इस तरह से शूट करना है और फोर्थ पार्ट में कुछ इस तरह से आपको सामने देख लेना है, सिंपल। तो चलो मैं सबसे पहले 4 पार्ट का वीडियो को एडिट करता हूँ। इसके बाद आपको जैसे कि हाथ में आप लेते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, आपको सिंपल करना क्या, यहाँ से आपको जैसे फेंक रहे हैं वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है, आप देखना यहाँ पे क्या, जैसे कि हम ऊपर की तरफ फेंके, फेंकने का सिर्फ सीन चाहिए, जैसे नीचे की तरफ जो आ रहा है ये सीन नहीं चाहिए, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है राइट साइड का, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। अब फर्स्ट पार्ट का वीडियो जैसे कि सिर्फ आपको ऊपर फेंकने का सीन रह गया, सेकेंड पार्ट में जैसे कि आपका कहाँ है नीचे की तरफ जब आ रहे हैं तो यहाँ से सीन चाहिए, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और कुछ इस तरह से आगे की तरफ आएंगे, कुछ इस तरह से, बस आपको यही सीन चाहिए, आपको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा पार्ट जो राइट साइड का है ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट में आता है, थर्ड पार्ट में भी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको बिल्कुल आसानी से ट्रिम टू लेफ्ट या फिर ट्रिम टू राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। फोर्थ पार्ट में आपको 4 से 5 सेकेंड या 2 से 3 सेकेंड तक आपको कुछ इस तरह से सामने की तरफ आपको देखना है, जैसे कि ऊपर की तरफ शॉट गिर रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमारे आप देख सकते हैं हमारा वीडियो 50% यहाँ पे लगभग एडिट हो चुका है। इसके बाद हम आपको करना क्या है नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल मीडिया पे आते हैं, इसके बाद जो हमने वीडियो 5 नंबर पे जो शूट किया है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको 5 नंबर पर वीडियो शूट कैसे करना है, जो शॉट को आपने 3 शॉट या 4 शॉट से अपने हाथ में लिए थे स्टार्टिंग में, आपको जो ऊपर की तरफ जो फेंके थे, तो आपको करना क्या, 4 सारे शॉट को ऊपर तो गया था लेकिन नीचे नहीं आया था, तो आपको करना क्या है 1 बाय 1 कर फिर से आपको ऊपर की तरफ फेंकना है, ऊपर से आपको नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने वीडियो एडिट कर चुका था, तो मैंने शॉट लिया कुछ इस तरह से, अब आपको 1 बाय 1 कर ऊपर की तरफ आपको फेंकना है, देखना आपको सिर्फ फेंकने का सीन, जैसे यहाँ से देख सकते हैं मैंने सेकेंड 5 नंबर का वीडियो कैसे शूट किया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल हाथ में लिया शॉट और कुछ ऊपर की तरफ मैं आपको फेंका और नीचे की तरफ आया, जैसे ही शॉट को आपको पहन लेना है, तो आपको करना क्या है सिंपल मैं बता देता हूँ। जैसे हाथ में लिए और कुछ ऊपर की तरफ फेंके, तो बस फेंकने का सीन चाहिए, जैसे नीचे की तरफ आता है, जैसे ऊपर फेंकते तो वहाँ का सीन नहीं चाहिए, ठीक है, गिरने का सीन चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, यहाँ तक सीन चाहिए। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, जैसे गिरा बस यहीं तक का आपका सीन चाहिए, सिंपल। इसके बाद स्पीड टू प्ले हिट करते और इस शॉट को आपको फिर से आपको पहन लेना है। फाइनली मैं शॉट को पहन लिया हूँ, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं मैंने शॉट पहन लिया। इसके बाद इसे स्पीड टू प्ले हिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट शॉट, जो आपने सेकेंड शॉट जो आपने रख रख के थे हाथ में, उस शॉट को आपको हाथ में लेना है, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको फेंकना है। सिंपल, जैसे नीचे की तरफ गिर रहा है वही सीन चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ से लिए और ऊपर की तरफ आपको मैं फेंका हूँ, ठीक है। इसके बाद इसे एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट करते हैं, कुछ इस तरह से आपको शरीर पर गिरना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से हम स्पीड टू प्ले हिट करते हैं। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है। फिर से आपको करना क्या, ये जो शॉर्ट आपको ऊपर किसी नीचे की तरफ आया है, तो पहले वाला शॉर्ट जो आपने पहन रखे उस शॉर्ट को आपको उतार देना है और ये वाला शॉर्ट को आपको पहन लेना है। सिंपल, इस शॉर्ट को उतारता हूँ और जो शॉर्ट मैंने अभी गिराया शरीर पे, उस शॉर्ट को मैं पहन लेता हूँ, कुछ इस तरह से। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है टीम टू लेफ्ट करते हैं, आप देख सकते हैं ये शॉर्ट भी मैंने पहन लिया। इसके बाद आपको करना क्या, लास्ट में जो आपके पास जो तीसरे शॉर्ट या टी शर्ट था, उस शॉर्ट को आपको कुछ उस ऊपर की तरफ आपको फेंकना है, ठीक है। तो मैं फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है ट्रिम टू लेफ्ट करते हैं, कुछ इस तरह से आया। अब यहीं तक का पार्ट से यहाँ पे आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। अब फाइनली हमारा तीन शॉट मैंने ले लिया था स्टार्टिंग में, और तीन शॉट को ऊपर की तरफ मैं फेंका हूँ। आपको इस शॉट या जैकेट जो भी है इसे आपको कुछ इस तरह से पहन लेना है, और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है ट्रिम टू लेफ्ट करते हैं। तो हमारा वीडियो यहाँ पर लगभग तैयार हो चुका है। तो मैंने कुछ इस तरह से पहन लिया हूँ। पहनने के बाद आपको करना क्या है, फ्लैप करना है कुछ इस तरह से, जैसे कि देख सकते हैं दोनों हाथ को आपको एक साथ टच करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम ट्रिम टू लेफ्ट करते हैं। इसके बाद फाइनली हमारा वीडियो यहाँ पे एडिट हो चुका है लगभग। इसके बाद कुछ इस तरह से आपको फ्लैप करना है, आपको ध्यान देना है, काफ़ी ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद कुछ इस तरह से फ्लैप किया और कुछ नीचे की तरफ आपको इस तरह से कर लेना है। हमारा वीडियो यहाँ पे 22 सेकेंड तक हो चुका है। तो फाइनली सबसे पहले सारे वीडियो में जो ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सारे वीडियो में के ओरिजिनल साउंड जो था म्यूट मैंने कर दिया हूँ। म्यूट करने के बाद आपको मैं स्टार्टिंग से मैं आपको प्ले कर दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट हो गया, कुछ इस तरह से मैंने टिंग किया। इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा पार्ट हो तो आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में कुछ इस तरह से मैंने किया। इसके बाद कुछ 4 से 5 सेकेंड तक आपको खड़ा रहना है, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम कम होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह से आया, आपने ये शॉर्ट पहन लिए, तो आपको देख सकते ज़्यादा जैसे कि यहाँ पे पहनने के सीन दिखा रहा है गिर रहा है, तो आपको ये सीन दिखना नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट करते हैं, ठीक है। और कम से कम समय टाइम इसमें लगना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आया सेकेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें गिर रहा है तो आपको पता चल रहा है, आप पहनेंगे तो भी। तो आपको ये अगर इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को बिल्कुल इस तरह से कम कर देना है, ठीक है। इसके बाद इस पार्ट में आते हैं, इस पार्ट में जो भी एक्स्ट्रा है फिर से कम करेंगे। इसके बाद फाइनली ये शॉर्ट आया और ये जैकेट मैंने पहन लिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने फ्लैप किया हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है कि हाथ में आपको पाउडर ले लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं स्मोक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, स्क्रीन पर क्लिक करना है, फुल स्क्रीन कर देना है, और इसको आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की का, इनेबल कर देना है, इसे डन करना। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ग्रीन स्क्रीन वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कलर फिल्टर पे आना है और यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेना है। अब देख सकते हैं आपका वीडियो इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो हमारा वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं 16-17 सेकेंड तक का हो चुका है। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्राइक आइडियो कर देना है। तो इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आइडियो भी आ चुका है, लेकिन देख सकते हैं साउंड यहाँ पे है जो हमारा यहाँ पे 15 सेकेंड तक का है, वीडियो जो हो चुका है 17 सेकेंड का। तो इसमें आपको 2 सेकेंड तक कम करना है। तो आप लास्ट का जो सीन है आप एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो मैं आपको ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले म्यूट करता हूँ और एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंडर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।